सो गाइज मैं रेडी हो चुका हूँ और मैंने पहना है ये जैकेट। सो गाइज हम आ चुके हैं, आप हिमांशी को हमने पिक कर लिया था, तो मैंने रास्ते में गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू तरुण खुराना व्लॉग्स। एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। ऐसे ही मैं डेली वीडियोस लेके आता हूँ आप सबके लिए, डेली व्लॉग्स। अगर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आप लोग को डेली नोटिफिकेशन मिल सके कि मैंने वीडियो डाल दी है। और हाँ, आज हम बहुत कुछ मस्ती करने वाले हैं, ऐसी हम डेली करते हैं, तो प्लीज़ लेट्स स्टे ट्यून्ड एंड स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। गाइस मम्मी ना सुबह से अभी गए हुए थे नानी के साथ बाहर, तो अभी कोको वेट ही कर रही थी मम्मी का। मम्मी मटर छील रही है और कोको डैडी इसको खाने के लिए दे रहे थे, तो डैडी कह रहे मेरे से कुछ भी नहीं खाया। और मेरे को किचन में आके देख रही थी भी, इसको कोई नजर नहीं आया तो वापस चलेगी किचन में। कोको मम्मा का वेट कर रही थी मटर खाने का। कोको गाइस इतने प्यार से मटर कभी आपने भी खाए जितने ये खा रही है। भाई साहब ये देखो हाथ से खिला रही है मम्मी इसको। मम्मी हमारे हिस्से का भी प्यार अब आप इसको ही करने लगे हो, ऐसा लगा कोको को सारा ही टेंशन मिल जाती है पूरा दिन। शिट गाइस हो गया ब्रेकफास्ट टाइम और मैं खा रहा हूँ कॉर्नफ्लेक्स। हाँ ये डाल दो और थोड़े से ये आमंड वाले हैं, सुबह सुबह का नाश्ता तो ये बढ़िया रहता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आज इसके अंदर हम डालने वाले हैं पपीता थोड़ा सा एंड ब्लैक ग्रेप्स, तो थोड़े से पपीता डालते हैं। पपीता तो डाल दिया, अब डालने हैं थोड़े से ग्रेप्स इसके अंदर। साबुत ही डाल लूँगा, तो अब ग्रेप्स डालते हैं इसके अंदर और फिर उसके बाद इसको ईटिंग करेंगे। इसका कितना बताएं कितना डालें? हाँ डाल दें आप। सो गाइस ग्रेप्स एंड पपीता तो डाल लिया, अब हम डालेंगे इसके अंदर पीनट बटर पाउडर जो कि आया है हमारा न्यूयॉर्क से। तो अब इसके अंदर हम 1 स्पून भर के ये हमने डाल दिया और थोड़ा सा और मतलब 1.5 चम्मच काफ़ी होगा। और इसको हम ऐसे मैं मिक्स करूँ, मुझे अच्छा लगा देखने में, मतलब कुछ अलग मम्मी को सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है देखने में। तो उसको पहले अच्छे से मिक्स कर दो ताकि कोई भी लम्ब्स ना रहे। रह सकते हैं या नहीं रहे ना, अच्छा नहीं लगेगा। ब्लेंडर कर दो, शेक बन जाएगा पूरा। तो गाइस ये हमारा ब्रेकफास्ट बहुत प्यारा लग रहा है, कितना हेल्दी। वाव, फ्रूट्स, मिल्क, पीनट पाउडर, टेस्टी। मैं टेस्ट करके देखूं एक बार। हाँ करो, देखिए गाइस गाइस सारे बच्चे हेल्दी फूड खाएं, जंक फूड ना खाएं। मैं टेस्ट करके बता रही हूँ तरुण को। कैसा है? टेस्टी है। टेस्टी है। ओके तो हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है, अब खाते हैं ये। A few moments later. So guys मैं जिम के लिए तो रेडी हो गया, अब मेरे को ऐसा लगा मैंने जस्ट अभी सौरभ जोशी की तरह बोला है। सो गाइज अब मैं फाइनली जिम के लिए रेडी हो गया और अब मैं जा रहा हूँ। तो मम्मी ने बनाई है कांजी। भाई ये देखो, आपने कभी पी है कांजी? मतलब ये होती है, आई थिंक इसके अंदर बीटरूट है और बहुत खट्टी, बहुत यम्मी, चटपटी, मज़ेदार। अगर कभी नहीं पीना तो घर पे बनाओ, सर्दियों में बहुत टेस्टी लगती है। इतनी खट्टी और मज़ेदार, मतलब बोलते हैं मुझे पानी में टेस्ट करता हूँ। ओ भाई मज़ा आ गया पी के। मम्मी ने बनाई है, अगर आपको भी मन करें तो अपनी मम्मी को बोलो बनाए, बहुत ईजी होती है। रेसिपी तो यूट्यूब से मिल जाती है। एंड दिस इज़ टेस्टीएस्ट, मतलब ऐसा कि कुछ चटपटा खाने या पीने का मन करो ना, कांजी पी लो भाई। और हमारे पंजाबीज़ के घर में तो ये बनती है, तो वी हैव अ लुक वंस अगेन। ये देखो, तो चलो मैं कांजी पीता हूँ और वर्कआउट करके आता हूँ, क्योंकि आज शाम को जाना है हमने इवेंट पे, तो वहाँ पे आपको लेके चलेंगे साथ, लेके चलेंगे साथ में, और बहुत मस्ती होने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। चलिए जिम होके आते हैं। मच लेटर। सो गाइस जिम से तो आ चुके, अब पी रहे हैं हम अपना ये वाला नया शेक। अब तक तो इसके हम सूप पी रहे थे, अब हम पीने वाले हैं इसका शेक जो कि है स्पीयरमिंट फ्लेवर, और इसके अंदर इतनी सारी हेल्दी चीज़ें हैं। 31 ग्राम प्रोटीन है नहीं 31 नहीं सॉरी 21 ग्राम प्रोटीन है, एक्स्ट्रा ही पढ़ लिया मैंने। तो अभी ये पीते हैं चलो। सो गाइस इसके अंदर से ये ऐसा कुछ पाउडर निकला है, तो खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है, तो इसको पानी में ही मिलाया, पानी में शेक करते हैं और पीते हैं इसको। अच्छा सो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ और मैंने पहना है ये जैकेट, और ये पता है मेरे को आज न्यू पहनी है और इसको पहनने का मौका 2 साल बाद मिला है। ये मुझे मतलब एमजे ने गिफ्ट किया था और आज इसको पहनने का मौका मिला है। तो अभी जा रहे हैं इवेंट पे और करने वाले हैं बहुत सारी मस्ती। रास्ते से पिकअप करना है हिमांशी को। आई एम वेरी एक्साइटेड। कैसा लग रहा हूँ यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ पता नहीं, ऐसा क्या है मेरे चेहरे में। सो गाइस हम आ चुके हैं। आप हिमांशी को हमने पिक कर लिया था, तो मैंने रास्ते में इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहाँ इतनी राइट नहीं थी, थोड़ी बेटी हो गई थी। हाँ भाई कब नहीं होती हमारे पास। तो अब हम पहुँच चुके हैं नीचे, अब चलते हैं ऊपर और आप लोग को दिखाते हैं। पहले हम अपना ड्रेस रिवील भी कर लेंगे ऊपर चल के, तो चले। सो ये रहा हिमांशी का आउटफिट। हिमांशी अपना आउटफिट अभी ऊपर तो आ चुके हैं एंड अभी भूख लग रही है, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल है खाने के लिए और हमें कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स आई मीन मॉकटेल्स एंड फूड भी है, तो अभी कुछ ऑर्डर करते हैं अच्छे से। सो गाइस हमारा पिज़्ज़ा तो आ चुका है। सो गाइस हमारा पास्ता भी आ चुका है। अभी हमस एंड पीता भी मंगवाई है। जूसेस अमेजिंग है, फूड भी बहुत टेस्टी है और आई थिंक आवाज़ थोड़ी पीछे गाने की ज़्यादा आ रही होगी, बट ओवरऑल द प्लेस इज नाइस एंड अच्छा लाउंज है, क्राउड भी अच्छा है। स्पेशली जो पीआर कंपनी है जिसने मुझे इनवाइट किया है, दे आर वेरी नाइस। मतलब वो बहुत ग्रीटिंग है, उन्होंने आके हमसे पूछा सामने से कि कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। मैंने कहा नहीं, ऑल गुड। अभी घर पे आ चुके हैं, बहुत मस्त था बट ज़्यादा फ्लैशी आप लोगों को देख कितना मज़ा आया। अभी देखिए सब बैठे हैं यहाँ पे, वंश भी है, हिमांशी भी है, तान्या भी है। तान्या कल कोलकाता जा रही है तो उसकी पैकिंग हो चुकी है फ़िलहाल एंड अभी सब ऊपर मस्ती कर रहे हैं। कितनी सारी आप देख ही सकते हैं। फोटोज डिलीट कर रही है उसकी। हमने रील बनाई हिमांशी। हिमांशी कैसी बनी रील? मेरे को तो छुपा ही दिया। गाइस वो स्टार्टिंग का देख लेना, उसमें मैं आऊंगी बाकी भैया आएंगे।